गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल ईशा मेहरा दिस साइड। बस मेरी बताई हुई आज की ये आसान सी एक्सरसाइज फॉलो कर लीजिए, आपका साइड फैट यानी आपके जो लव हैंडल्स हैं वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे, आपका टमी फ्लैटन हो जाएगा। बहुत ही आसान है, किसी ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं, इक्विपमेंट की जरूरत नहीं। जो जो चीज़ें मैं आपको यूज़ करूँगी बस आपको उसी तरीके से सेम एज इट इज़ उन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, कोई पैसा खर्च नहीं होगा और रिजल्ट इतना बेहतरीन आपके सामने होगा। तो जब भी आप कोई ड्रेस पहनेंगे तो आप पे वो सुंदर लगेगी, क्योंकि जब हम कोई ब्लाउज या साड़ी या कोई भी टॉप या कोई भी हम टाइट फिटिंग जीन्स पहनते हैं तो हमारा जो साइड बल्जेस होते हैं बहुत ऑड लगते हैं ना। तो हमें क्या करना है, आज से उन ऑडनेस को हमें छुपाना नहीं बल्कि ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने के लिए वर्कआउट मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। एक क्वेश्चन जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत कॉमन होता है कि वर्कआउट हम कब करें, तो वर्कआउट का कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। अगर आपको मॉर्निंग में टाइम है तो मॉर्निंग में करें, इवनिंग में टाइम है तो इवनिंग में कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर करें। सिर्फ 15 मिनट 24 घंटे में अपने आप को दे दो और उसके बाद एक महीने बाद आपका कॉन्फिडेंस आपके चेहरे और आपकी आंखों से झलकेगा, क्योंकि जब हम सुंदर दिखते हैं ना तो एक अलग ही नूर आ जाता है हमारे चेहरे पर, है ना, कि हम हर ड्रेस में सूट कर रहे हैं। और ये वाली एक्सरसाइज बॉयज एंड गर्ल्स कोई भी कर सकता है, अगर आप टीनेजर हैं तो भी आप कर सकते हैं, या अगर आपकी ज्यादा एज है तो भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करेगा, आपका एक लाइक ना मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। और अगर आप मेरी फैमिली में जुड़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और छोटी जो बेल आइकन होती है ना उसको टन टन जरूर बजा के जाया करो, ताकि आपके पास सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। इसके साथ साथ रुको रुको, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, @ईशा मेहरा मेरा अकाउंट है, और फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से लेट जाना है, अपने पैर के ऊपर एक पैर सपोर्ट रखिए, देन उसके बाद अपने हाथों को यहाँ पे आपने प्लेस करना है। आपको साइड बाय मतलब अपनी लेग्स को इस तरीके से मूव करते हुए अपनी अपर बॉडी को ऊपर लेकर आना है, ऐसा आपने 20 टाइम्स करना है, और इसके आपने करने हैं 2 सेट। जब ऊपर आएंगे तो हम ब्रीथ आउट करेंगे, नीचे जाएंगे तो ब्रीथ इन करेंगे, इससे जितना भी आपका जो लव हैंडल है या साइड का फैट है वो बिल्कुल चला जाएगा और आपका साइड बहुत सुंदर हो जाएगा। बारी आती है सेकेंड एक्सरसाइज की। सेकेंड एक्सरसाइज के लिए आपको हाथ को ऐसे मैट पे प्लेस करना है। मैट पे प्लेस करने के बाद आपको ये पोजीशन लेनी है, अपनी बॉडी को ऊपर लिफ्ट कर लीजिए, पैरों को ऐसे सपोर्ट में लाते हुए आपको अपनी बाजू को इस तरीके से आपको अपनी बॉडी को मूवमेंट देना है ऐसे, ठीक है। लेकिन आपको ऊपर आपको अपनी बॉडी को लिफ्ट करके रखना है, आपको ऐसे करना है 20 बार और उसके करने हैं आपको 2 सेट। जब आप लेग को ऊपर लेकर आएंगे तो ब्रीथ इन, नीचे लेकर जाएंगे अपने हाथ को पीछे करेंगे तो ब्रीथ आउट करना है, ठीक है। रिलैक्स हो जाइए। ये आपको मैंने करके दिखाया है 1 साइड, आपको करना है दोनों साइड, ठीक है। एक साइड भी आपको 20 बार करना है और सेकंड साइड भी आपको, दूसरी तरफ भी आपको 20 बार करना है और उसके करने हैं आपको 2 सेट। हो सकता है स्टार्टिंग में आपका बैलेंस ना बने, लेकिन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बैलेंस बनेगा। जब आप बैलेंस ऊपर लिफ्ट करके इसको ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो ये आपके साइड का फैट बहुत जल्दी रिड्यूस होगा, आपका वहाँ का शेप आने लगेगा और बॉडी टोन हो जाएगी। अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको साइड प्लैंक करना है, नॉर्मल प्लैंक नहीं, आपको साइड प्लैंक करना है, क्योंकि जितनी देर आप अपनी बॉडी को होल्ड रखेंगे उस एरिया पे आपके लोड जाएगा और वहाँ का फैट टूट के वहाँ की बॉडी आपकी टोन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मिनिमम हमें रखना है 10 सेकेंड्स का होल्ड, मैक्सिमम जितना आप अच्छा लेके जा सके उतना बेस्ट है यार। तो सेम इसी तरीके से अपने हाथ को सपोर्ट दीजिए, अपने पैरों के ऊपर पैर रखते हुए अपनी कमर को मैट से ऊपर रखते हुए बॉडी को लिफ्ट रखिए।
यहाँ पे मैंने रखा है अपनी बॉडी को होल्ड 30 सेकंड्स के लिए. हो सकता है आपसे 10 सेकंड्स होल्ड हो और जितना हो ग्रेजुअली आपको इसको इंक्रीज करते जाना है. जितना हो सके अपने माइंड में बिठाइए कि आपको सेकंड्स को ज्यादा इंक्रीज करना है. ठीक है, अब करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज. नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको पैरों को ऐसे प्लेस करना है और आपने अपने टो टच करने हैं अपने हैंड से. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ऐसा आपको 20 टाइम्स करना है और 20 के आपको करने हैं 2 सेट्स. जब अपनी बॉडी को हम साइड पे करते हैं तो उससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और वहाँ का फैट आपका लूज होता है. आपने इस तरीके से पोजीशन ले लेनी है. अपने हाथों को आप पीछे फोल्ड कर लीजिए ऐसे. ठीक है, आपने अब लेफ्ट एल्बो से अपने नी को टच करना है, साइड लेकर आना अपनी बॉडी को ऐसे ऐसे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ऐसा आपको 20 टाइम्स करना है ईच साइड. यानी आपने अगर ऐसे टर्न किया अपनी बॉडी को तो 20 टाइम्स, ऐसे टर्न किया तो 20 टाइम्स. ठीक है, ऐसी एक्सरसाइज में आपको अपने बेली को स्क्वीज करके रखना है और जब ऐसे जाएंगे तो ब्रीथ इन, वापस जाएंगे तो ब्रीथ आउट. अब इसी में एक और वेरिएशन होती है जिसमें हमें अपने पैरों को एयर में रखना है. उससे हमारे टमी एरिया पे ज़्यादा लोड आता है. ब्रीथिंग प्रोसेस वही रहेगा, जो हम टच करेंगे तो ब्रीथ इन, पीछे लेकर जाएंगे लेग को तो ब्रीथ आउट. ब्रीथिंग बहुत मस्त है जिससे कि आपके मसल पे ज़्यादा लोड पड़ता है, वहाँ का फैट टूटता है. रिलैक्स हो जाइए. नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, सेम प्लैंक पोजीशन में आना है. पहले हम लोगों ने क्या किया था, अपनी ऊपर वाली लेग को ऐसे मूव किया था, राइट, अपनी बॉडी को लिफ्ट करते हुए. अब हमें नीचे वाली जो लेग है उसको मूव करते हुए क्रॉस में जाना है. लेफ्ट हैंड से राइट लेग के क्रॉस में हमें टच करना है नी पर और ऐसे हमें अदर साइड पे करना है. ठीक है, 20 टाइम्स मैं आपको एक लेग पे करके दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. आपने बोथ साइड करना है और इसके करने हैं आपको 2 सेट. स्टार्टिंग में आपको होल्डिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा लेकिन बेटर है, आपको हैबिट हो जाएगी. इस तरीके से आप बाजू रख लीजिए अपनी यहाँ पर, पैरों को थोड़ा सा आगे पीछे, बॉडी को हवा में लिफ्ट करते हो इस तरीके से. 1, 2, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट. ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से प्लैंक पोजीशन में आ जाना है. ठीक है, और अपनी जो लेग है उसको साइड पे लेके जाना है ऐसे. अपने पूरा बॉडी को स्ट्रेच देना है. ठीक है, बैक लेग को पीछे की तरफ स्ट्रेच देना है और अपनी साइड लेग को ऐसे लेकर आना है. इससे क्या होगा, आपका जितना भी साइड फैट है वो इससे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा. आपको इसको करना है कम से कम 20 बार और 20 के आपको करने हैं 2 सेट. सेम, जब आप लेग को आगे लेकर जाएंगे तो ब्रीथ इन और जब बाहर लेकर जाएंगे तो ब्रीथ आउट.
एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से पोजीशन में आ जाना है। वन हैंड से आपने सपोर्ट लेना है मैट का, दोनों पैरों को इस तरीके से प्लेस करते हुए आपने अपनी बॉडी को इस तरीके से अंदर की तरफ हैंड को लेके जाना है। ऐसा आपको 20 टाइम्स करना है। जब आप अंदर लेके जाएंगे अपने हैंड को तो ब्रीथ इन करना है, अप लेके जाएंगे तो ब्रीथ आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से प्लैंक पोजीशन में आना है। आपको अपनी वन लेग को ओपन करना है साइड पे, देन वापस अदर लेग को भी ऐसे ऐसे आपको 20 बार करना है और उसके करने हैं आपको 2 सेट। बाहर लेके जाएंगे ब्रीथ इन, वापस लेकर आएंगे ब्रीथ आउट। तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी बेहतरीन सी एक्सरसाइज? अच्छी थी ना? अच्छी है, लेकिन इनके रैप्स और डेली आपने एक नियम बनाना है, फॉलो करना है। इसके साथ साथ आपको अपने डेली रूटीन में पानी ज्यादा इनटेक करना है, शुगर फूड और नमक ज्यादा आपको अपनी जो डेली रूटीन में से है कट कर देना है। रात को आपने दालचीनी वाला पानी पी के सोना है। कैसे पीना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, वहां से जाके आप पूरा रेमेडी उसका देख सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। वो बहुत जल्दी आपके वेट लॉस में हेल्प करेगा, डाइजेशन को बूस्ट करेगा। अपनी डेली डाइट में अलसी का जरूर सेवन करें। अलसी आपके स्किन पर झुर्रियां नहीं आने देगी, बालों को बहुत अच्छा रखेगी, आपके बॉडी में अंदर से जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको बहुत अच्छे से निकाल देगी, ठीक है। अपना ख्याल रखना, खुश रहना और कोई भी टेंशन हो जो दे रहा है उसको दफा करो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो, ऐसी खूब सारा प्यार दो। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, love you all.